नमस्कार, पब्लिक एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता पाठक। आइए शुरुआत करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी में गड़बड़ी के मामले सालों से चल रहे हैं। खुद के घर का सपना पाले लोगों को तब झटका लगता है जब सोसाइटी के डायरेक्टर उनके प्लॉट की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर देते हैं। अफसरों और संस्था के डायरेक्टरों की सांठगांठ के चलते उन्हें एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस लंबी लड़ाई में पीड़ित व्यक्ति को अपने जीवन का लंबा वक्त लगाना पड़ता है। इन गड़बड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एक मुहिम शुरू की है, जिससे अब लोगों को अपना सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने घर का सपना सजोए लोगों ने सोसाइटी के माध्यम से प्लॉट लिए, सोचा कि एक दिन इस जमीन पर अपना आशियाना बनाकर सुकून से रह सकेंगे। लेकिन उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि इसी प्लॉट पर कब्जा पाने के लिए उन्हें सालों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सोसाइटी में गड़बड़ी के मामले केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में सामने आए हैं। पीड़ितों की इस समस्या को सरकार ने समझा तो एक मुहिम शुरू कर दी। सरकार के सख्त रवैये के चलते अफसरशाही ने भी सोसाइटी में हेराफेरी करने वाले संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किए तो कईयों को जेल की राह दिखा दी है। प्लॉट से वंचित सदस्य को सहकारिता उपायुक्त दफ्तर के शिकायत शाखा में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सोसाइटी और प्लॉट के लिए जमा की गई राशि की रसीदों की फोटोकॉपी लगानी होगी। आवेदक को पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, पैन कार्ड में से कोई एक देना बेहद जरूरी है। अफसरों की लाल फीताशाही और संस्था सदस्यों के साथ सांठगांठ के चलते हजारों की संख्या में लोग परेशान हुए। कम दरों पर लोगों को प्लॉट देने का सपना दिखाकर हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर तो बना लिया गया, पैसे भी जमा करा लिए, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनका ये सपना आज भी पूरा नहीं हो सका। हालत ये है कि अब ना तो जमीन बची है और ना ही सपना दिखाने वाले। इस आस को लिए कई मेंबर की मृत्यु भी हो चुकी है। हाउसिंग सोसाइटी में चल रही इन गड़बड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश सरकार ने मुहिम चलाई, जिसमें प्रदेश की सैकड़ों सोसाइटी में इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिससे हजारों पीड़ितों ने सामने आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। सरकार की इस सख्ती का परिणाम भी सामने आया। आज कई सोसाइटी संचालकों को जेल की हवा भी खानी पड़ रही है। अब सरकार आगे आकर इन सदस्यों के प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर देकर जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी में है। बहरहाल देर से ही सही, सरकार की माफिया मुक्त मुहिम से उन लोगों में आशा की किरण जाग उठी है जो अपना प्लॉट पाने की आस खो चुके थे। डेस्क रिपोर्ट, TNN। तो पब्लिक एजेंडा में आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में हैं ओम पाटीदार जी, जो लॉयर हैं, इसी सहकारिता से जुड़े इश्यूज पे वो जो है कोर्ट में अपनी राय देते हैं, लड़ते हैं लोगों के। उसके साथ में मेरे साथ है राजमणि पटेल जी, जो इस जो अपने प्लॉट के लिए कई सालों से जो है वो न्याय की गुहार मांग रहे हैं, वो हाई कोर्ट तक पहुंचे। चलिए सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। राजमणि जी, आप बताइए, क्या आप जो है हाई कोर्ट तक गए हैं इस मुद्दे को लेकर? आप पीड़ित रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो जो है तो संस्था का जमीन भी खरीदा था, तब भी मुझे निकाल करके प्लाट नहीं दिया गया है अध्यक्ष द्वारा। फिर 2009 में मुझे संस्था से निकाल दिया गया है, जिसमें मैं संचालक मंडल का निर्वाचित सदस्य हूँ, तब भी मुझे 2 महीने में ही कार्रवाई करके निकाल दिया गया है और मैं उसका हाई कोर्ट तक का भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते उसमें अधिवक्तागणों का ये भी रहता है कि इधर उधर गुमराह करके उसको एक बार ऊपर जाता है, फिर उसको नीचे ला करके फिर उसको वही वो फिर शुरू से सीढ़ी हमें चढ़नी पड़ती है, फिर ऊपर तक जाओ। यही करते करते आदमी कई लोग दिवंगत हो जाते हैं और कई लोग आशा छोड़ करके बैठ जाते हैं और घर पूरा बर्बाद हो जाता है।
जी देखिए, ये तो हमने अपने रिपोर्ट में भी देखा कि इस तरह के जो जो समय है उससे और इस पीड़ा से कई लोग जूझते हैं। आप क्या कहेंगे वकील साहब, इन्होंने गंभीर आरोप जो कह रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, और आप किस तरह के इस चीज इस आप किस तरह के आपके पास इंसिडेंट्स आते हैं, आप किस तरह से मदद करते हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा तो ये विचार है कि ये जो मुहिम सरकार ने छेड़ी है जी, ये अपनी जगह बहुत अच्छा काम है, पर साथ में एज ए लायर, चूँकि हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में मैं करीब 35 साल से जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ 80% शिकायतें तो सही रहती है और है, 20% शिकायतें गलत रहती है। और जहाँ तक मेरे साथी ने ये कहा कि अधिवक्ता, अधिवक्ता का धर्म होता है अपने पक्षकार के लिए पूरी ताकत से उसका मुकदमा लड़ना और उसे विजयश्री दिलाना, तो इसलिए ये कहना कि अधिवक्ता के कारण, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक जैसा मैं इनको जानता हूँ, राजमणि जी को, मैं इन्हीं के मुकदमे में मैं सोसाइटी का वकील हूँ और ये माननीय उच्च न्यायालय तक गए, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 1960 है, इसमें धारा 78 और धारा 77 के तहत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल जो है अंतिम कोर्ट है, इस आदेश, इस अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ एक सुपरविजन पिटीशन हो सकती है जिसमें बहुत कम स्कोप होता है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। और जैसे राजमणि जी का ही मामला है, राजमणि जी सहित कई 15-20 लोगों ने अपने निष्कासन के विरुद्ध, उनका अधिकार था, उनको चैलेंज करना चाहिए, उन्होंने प्रकरण लगाए और माननीय अधिकरण ने उनकी अपीलें खारिज कर दी। अब उसके विरुद्ध ये माननीय उच्च न्यायालय गए, अभी माननीय उच्च न्यायालय में मामला न्यायाधीन है, जो निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। नहीं, लेकिन अपन जनरल अगर हम बात करें तो ये सोसाइटी में प्रॉब्लम्स तो हैं, कई लोग इसको फेस कर रहे हैं, वो प्राथमिक सदस्य होते हैं, कई बार अपने प्लॉट की पूरी राशि जमा कर देते हैं और उनको प्लॉट आवंटन न करके किसी और को दे दिया जाता है, तो इस तरह की गड़बड़ियां तो अक्सर सामने आती है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई सोसाइटी में ऐसा है कि लोगों को प्लॉट के पैसे जमा हो गए, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख, और फिर उनको प्लाट नहीं मिले, या उनके प्लाट जो आवंटित थे वो किसी और सदस्य को दे दिए गए, नए सदस्य को दे दिए गए, तो उसमें तो कार्रवाइयां हो रही है और कार्रवाइयां होना भी चाहिए। और हम भी लड़ रहे हैं, हम जैसे लड़ रहे हैं न्यू मित्र मंडल हाउसिंग सोसाइटी, जिन लोगों के पैसे से, वहाँ 92 फाउंडर मेंबर थे जिनके पैसे से जमीन खरीदी गई, आज जनसुनवाई को भी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया, आज तक एक भी मेंबर को प्लाट नहीं मिला वहां पर, जबकि उनके किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 3 लाख रुपए जमा है, और 92 मेंबर ऐसे हैं जिनके पैसे से खरीदी थी, एक को प्लाट नहीं मिला अभी तक। तो इसका समाधान क्या है? मैं प्रवीण जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहकारिता विषय से जुड़े आपने कई जो है स्टोरीज की है, रिपोर्टिंग की है, आप क्या कहेंगे? ये समस्या शुरू कहां से होती है, वहां जाना चाहिए सरकार को, सरकार ने अच्छा काम शुरू किया है। हाँ। डॉक्टर गोविंद सिंह भी सहकारिता के बड़े जानकार हैं। हाँ। लोगों को राहत मिल रही है, एक उम्मीद लग चुकी है, लेकिन समस्या कहाँ है? कोई जब सोसाइटी का अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष के बाद जो उसकी पैनल होती है उसमें जो लोग होते हैं उन्हें पता नहीं कि अध्यक्ष क्या करने वाला है, वो केवल डमी नाम रहते हैं, ऐसी सोसाइटी का उद्देश्य। और जो अध्यक्ष बनता है वो किसी न किसी अधिकारी के आशीर्वाद के साथ ही वो अध्यक्ष बनता है, और वहीं से दोनों की साठगांठ शुरू होती है। उस साठगांठ में फिर ये 400 बीसी किसको प्लॉट देना है, पैसे सबके इकट्ठे कर लिए, और इसके बाद प्लॉट देने के लिए वो झूला झुलाते रहे और आदमी संघर्ष करता रहा कि हमें प्लॉट मिल जाएगा। आप, हम डॉक्टर गोविंद सिंह से ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि डॉक्टर गोविंद सिंह, आप एक अधिकारी कोई कोऑपरेटिव का ऐसा बता दो जिसका सोसाइटी में प्लॉट ना हो। भोपाल के जो DR हैं, जो उपायुक्त हैं, बिना अनुमति के भी प्लॉट, शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति के बिना ही प्लॉट लिए हैं। तो जब अधिकारी और अध्यक्षों की साठगांठ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इन लोगों को कोर्ट में, जैसे अभी राजमणि जी ने कहा कि दिवंगत हो गए, ऐसे और कितने लोग हैं जो दिवंगत हो जाएंगे, लेकिन एक उम्मीद जगी है, चलो सरकार ने अच्छा काम शुरू किया, एक कदम तो उठाया है। हाँ। लेकिन अब डॉक्टर गोविंद सिंह को यह चाहिए कि वो अधिकारियों को देखें कि कौन अधिकारी इसमें अध्यक्ष से साठगांठ करके
और गड़बड़ी कर रहा है, वहां पे जांच करनी पड़ेगी। जी, ये आपने बहुत अच्छा जो है पॉइंट आपने बताया, जो बताया कि जो अध्यक्ष बनता है सोसाइटी का वो किसी अधिकारी के आशीर्वाद से बनता है, तो उनके संरक्षण में करप्शन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो वो जब तक नहीं हटेगा तब तक जो ये है मूल जो है ये प्रॉब्लम है, इसका तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ठीक है, आपने ये प्रॉब्लम तो बताया, लेकिन ऐसा कई बार जैसा कि आपने कहा पैसे सारे सदस्यों से ले लिए जाते हैं, प्लॉट जिसको वो फेवर करते हैं उनको दिए जाते हैं, तो जिनके जो 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 सदस्य अपनी राशि जमा करते हैं और उनको प्लॉट नहीं मिलता, कई बार तो उनको प्लॉट की राशि तक वापस नहीं होती है। ये तो सारी आप ये देखें, जो अध्यक्ष होते हैं वो बाहुबली होते हैं जी, उन बाहुबलियों से राजमणि जैसे कितने लोग संघर्ष कर पाएंगे। कोर्ट जाने का रास्ता होता है तो कोर्ट जाने के लिए वकील को भी तो फीस देनी पड़ती, वहां पे भी तो पैसा खर्च होगा, न्याय के लिए भी पैसा खर्च हो रहा है, आदमी कहां तक संघर्ष करे। ये कदम जो सरकार ने उठाया अच्छा उठाया, लेकिन इसकी मूल जड़ तक अगर नहीं जाएंगे, अधिकारियों का और उन अध्यक्षों का जो गठजोड़ है उस पर वार नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने फिर से यही कहा कि जो जुगलबंदी है अधिकारियों और अध्यक्ष, उसको हटा, तो उसको कैसे हटाया जा सकेगा, ये एक बहुत बड़ा और जटिल प्रॉब्लम है। उन अधिकारियों का पता करें, उन अधिकारियों ने भी प्लॉट लिए हैं। हाँ। उनके सोसाइटियों में अधिकारियों के भी प्लॉट हैं, उनके भी नाम है। हाँ। वहां भी पता करें कि कौन अधिकारी गड़बड़ कर रहा है। इतना बड़ा तंत्र है, कुछ तो ईमानदार अधिकारी भी है। हाँ। जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपो ना, लेकिन आप ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपे हैं जिनके खुद के बिना अनुमति के प्लॉट लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। राजमणि जी, आप इस पे क्या कहेंगे? इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, आप भी पीड़ित हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, कई समय से कई सालों से आप लड़ रहे हैं, जो इन्होंने बताया उस पर आपका क्या कहना है? पत्रकार साहब तो बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, जो कि जब तक नीचे जड़ तक नहीं जाएंगे जब तक कुछ भी भला नहीं हो पाएगा। और वकील साहब का भी कहना ठीक है कि जो अपने जिसके पक्ष में चाहे कुछ भी हो अपने लिए लड़ना उनका भी सही है, अपनी जगह वो भी सही कह रहे हैं, जो भी जहाँ पीड़ित होता है वही कहता है। लेकिन इसमें से एक अपने सोसाइटी का ही ले लीजिए, इसमें सुधाकर पांडे जी जब से चुनाव कराए जब से अभी तक उसमें एडवाइजर के रूप में है, कुछ हो सकता है कि वकील भी हों जिसमें उसमें अपने रिश्तेदारों को चार चार प्लाट बांट दिए अध्यक्ष, तो ये बात तो उन्होंने भी कहा, भी प्रवीण जी ने भी उसी को तो हाईलाइट किया है, साठगांठ को हाईलाइट किया, साठगांठ का वही पत्रकार साहब ने जो साठगांठ का किए, तो जब तक वो नीचे जड़ तक नहीं जाया जाएगा जब तक का उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, फाइल ऐसे जांच होती रहेगी, आगे जाके क्या निष्कर्ष निकलता है या नहीं निकलता वो कहना मुश्किल है। जैसे अपन जो है 96 में सदस्य बने, जमीन खरीदवाए, संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाए, रजिस्ट्री में मेरा गवाह के रूप में सिग्नेचर भी है, और 25 उस समय क्या 10,06,500 रुपये का जो 4 एकड़ 22 डिसमिल जमीन क्रय हुई थी, अब 10 लाख रुपये में आज एक प्लाट भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से उसी 10 लाख रुपये की जमीन जो खरीदी गई थी आज करोड़ों में बेच करके, उसी पैसे को हर जगह दे करके सबका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो जब तक नहीं जाएगा तो हम लोग लड़ते लड़ते हम भी अपन किसी दिन कब तक लड़ पाएंगे, आशा छोड़ देंगे। लेकिन इस मुहिम से थोड़ा आस जगी है कि हो सकता है कि आपके माध्यम से मुझे भी प्लाट मिल जाए, हो सकता मेरी लड़ाई कामयाबी हो। चलिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, कामयाबी भी मिलती है। चलिए वकील साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि आप जैसे हम कानूनी लड़ाई की यहाँ पे बात हो रही है, तो कानूनी लड़ाई हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत लंबा खींचता है, तो उसमें आप किस तरह की मदद करते हैं लोगों को, किस तरह की सलाह देते हैं? मेरा मैडम ये है कि अभी जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है, ये अपने आप में सराहनीय है, किंतु कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में हो या मैडम कहीं भी हो, चमत्कार के बगैर नमस्कार नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशील धारा है 53। इसमें आज से 10 साल पहले तक ये प्रावधान था कि रजिस्ट्रार, चाहे वो डिप्टी रजिस्ट्रार हो, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो या रजिस्ट्रार हो, कोई भी सोसाइटी का अध्यक्ष या सोसाइटी का संचालक मंडल, जैसा प्रवीण जी ने कहा, गड़बड़ी करते किसी भी प्रकार की, प्लाट में करे, लोन में करे, किसी प्रकार की,
अगर कंज्यूमर रुष्ट हो रहे तो पीडीएस में गड़बड़ी करें, यानी कोई भी संचालक मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी गड़बड़ी करते तो उसके संचालक मंडल को रजिस्ट्रार तत्काल प्रभाव से हटा सकता था, उसके स्थान पर शासकीय प्रशासक नियुक्त कर सकता था। किंतु 2007 में एक प्रावधान लागू कर दिया हमारे अधिकारियों ने, वो है झगड़े की जड़। अब अमृत कुंड दे दिया उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों के, इसमें अब ये कर दिया कि हाउसिंग सोसाइटियां या उन्होंने कह दिया कि जो एडेड सोसाइटी नहीं है उनके संचालक मंडल को भंग नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान कर दिया। अब हाउसिंग सोसाइटी एडेड नहीं है, कंज्यूमर सोसाइटी एडेड नहीं है, मतलब 80% सोसाइटी ऐसी है जो एडेड नहीं है, उनको रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता। जब उनका बोर्ड भंग नहीं कर सकता, अध्यक्ष को नहीं हटा सकता, तो फिर इस कार्रवाई का क्या? अभी भी आज भी मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से आ रहा हूँ, मैंने अधिकारियों से निवेदन किया कि जो विधानसभा सत्र आ रहा है इसमें अमेंडमेंट करो भैया, ये एडेड सोसाइटी के नाम पे वो निरंकुश हो गए, उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि एक्ट में वापस वो प्रावधान लाना चाहिए, एडेड जो एडेड नॉन एडेड सोसाइटी उनको, सभी प्रकार की सोसाइटी एक ही कानून होते हैं कि अगर गड़बड़ी करता है तो उसका बोर्ड भंग होना चाहिए। ये प्रावधान नहीं होगा जब तक कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा। जो अभी सरकार की मुहिम है उसमें जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होगा, आपको लगता है उस मुहिम का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने ये कहना कि इस मुहिम का उसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या कहेंगे प्रवीण जी इनके इस बात पे? इनका कहना है कि सरकार की मुहिम बहुत ज्यादा रंग नहीं लाएगी जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होता है। राजमणि जी ने एक ख्वाब देखा था 1996 में कि हम एक अपना घर बनाएंगे। 24 साल हो गए, आदमी की जिंदगी के 24 साल केवल संघर्ष में निकल गए हैं, वो प्लॉट नहीं मिल पाया है। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी 2003 तक, इसके बाद 15 साल भाजपा की सरकार रही, अब जाकर एक साल हुआ है तब जाकर सरकार ने ये कदम उठाया जिससे उम्मीद जगी है। आप क्या सरकार से हम उम्मीद लगाएंगे कि ये 24 महीने तक के अंदर समस्या समाधान कर देंगे सबके? उम्मीद 15 साल में नहीं हुआ, जो 24 साल में नहीं हुआ वो चलो 24 महीने में कर दें, 2 साल में कर दें, उम्मीद जगी है। लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे जब अधिकारियों और अध्यक्षों का गठजोड़ होगा? तो ऐसे अधिकारियों का चयन करें, पता करें कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। लेकिन मंत्री साहब के जो इर्द गिर्द हैं वो अधिकारी भी ऐसे अधिकारी हैं, सब जानते हैं कि ये कौन अधिकारी हैं और कैसे मंत्रियों के खास करीब पहुंचे हैं। तो जब मंत्रियों को ऐसे अधिकारी प्रिय लगते हैं तब उम्मीद ना उम्मीद में बदल जाती है। देखिए हमें टोटल नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, सरकार ने मुहिम छेड़ी है, अभी कुछ ही महीने बीते हैं, जब 24 साल से संघर्ष चल रहा है, इतने सालों से संघर्ष चल रहा है, हम ऐसा क्यों माने कि मुहिम का वो रंग नहीं आएगा? भले परिणाम जल्दी ना आए लेकिन देर सबेर तो मिलेंगे, मुहिम तो कम से कम शुरू हुई है। ये कह रहे हैं कि ये कदम उन्होंने अच्छा उठाया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है इसी मामले को लेकर, तब न्याय मिल पाएगा। देखिए कोई भी जो जो सिस्टम लागू होता है, नया आता है, कुछ भी जो नए फैसले आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जब वो एक्शन में आते हैं, जब उसको अमल किया जाता है तभी तो पता चलता है कि इनमें कमियां क्या रह गई हैं। जब कमियां पता चलती हैं तभी तो उनपे जो है फिर से उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि ये अमेंडमेंट आना जरूरी, ये अमेंडमेंट जो जिसका उन्होंने जिक्र किया, जिसकी उन्होंने आज अधिकारियों से बातचीत भी की कि विधानसभा सत्र में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, उससे जो है जो निरंकुश हो गए हैं सोसाइटी वो उन पर जो है एक लगाम लगेगी, उससे न्याय मिलने की उम्मीद है। आपने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज कि आपने कहा जो अध्यक्ष और अधिकारियों इन दोनों की जो सांठगांठ है उस पे जो है सरकार को एक ध्यान देना चाहिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जब कमियां हैं तो उसी से तो निकल के आ रही है कि हमें उन कमियों को कैसे दूर करना है। नहीं, ये सरकार ने अच्छा कदम उठाया है और ऐसे लोग जो 24 साल से संघर्ष कर रहे हैं उनकी दुआएं भी लगेंगी कि कुछ उम्मीद बनी है। लेकिन आगे और क्या करना चाहिए वो हम बता रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह सहकारिता के इतने गहरे जानकार हैं, उनका आधी से ज्यादा जिंदगी सहकारिता में निकली है तो उन्हें जानकारी है वो कैसे निकालें। बस उन अधिकारियों से, उनके चंगुल से इन लोगों को कैसे बचाया जाए, इस दिशा में भी पहल हो तो और अच्छी बात है। बिल्कुल, आप बार बार ये कह रहे हैं लेकिन ठीक है। वकील साहब आपके पास आऊंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक अमेंडमेंट की तो बात आपने कह दी, इसके अलावा देखिए मुहिम तो चल रही है, किस तरह के आप देखते हैं मुहिम जो है रंग लाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि
ये सही कहा प्रवीण जी ने कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी सहकारिता के पुरोधा हैं और उनकी जो कार्रवाई है और उनकी जो ईमानदारी पूर्वक वो जो काम कर रहे हैं उस पर किसी को शंका किसी को नहीं है। पर जब तक चमत्कार नहीं होगा, लोगों को डर नहीं लगेगा समिति वालों को हमको भंग कर दिया जाएगा, तब तक उसका कार्रवाई का परिणाम अपेक्षित नहीं। अभी हम देख रहे हैं 2 महीने से डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, हर जगह जाके वो मेहनत कर रहे हैं, पर अभी अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे। उसके लिए इनको उस कानून में बदलाव करके, बाकी सब समितियां हाउसिंग सोसाइटी को भंग नहीं किया जाएगा ऐसा प्रावधान है, उस प्रावधान को विलुपित करना अनिवार्य है। मतलब एक सेंस ऑफ फियर आना जरूरी है सोसाइटी के, जो संचालक, जो पूरा मंडल होता है, जो पूरे सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर पैदा करना होगा कि उनको उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। आप यही कहना चाह रहे हैं, तभी जो है ये जो सरकार की मुहिम है उसका सही रंग और सही असर हमें देखने को मिलेगा, यही आप कहना चाह रहे हैं? यही मेरा कहना है, क्योंकि जब 53-1 लगती है तो वो न केवल पद से हटता है बल्कि आने वाले 7 साल तक वो किसी भी सोसाइटी का चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसका भय बहुत रहता है और इसलिए वो धारा की वापसी होना बहुत जरूरी है। बहुत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। राजमणि जी, इस पे आप क्या कहेंगे? अपनी अपनी जगह अधिवक्ता साहब भी अच्छे शब्द कहें और पत्रकार साहब भी, लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि जब तक का जो है, जैसा पत्रकार साहब पहले कह चुके हैं कि जो वर्किंग कमेटी के सदस्य होते हैं उनको यह पता नहीं होता कि अपन सिग्नेचर उपस्थिति में कर दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई वो घर बैठे वहाँ डीआर का जो आदमी आता है वो बढ़िया, और एक हर सोसाइटी वाले जो है एक अधिवक्ता नियुक्त किए रहते हैं, उनसे विचार विमर्श करके ऐसा लिख दिया जाता है कि सामने वाला उसमें से कानूनी लड़ाई भी लड़े तो लड़ते लड़ते उसको जीत ही ना पाए। पत्र भी भेजेंगे तो ऐसे भेज देंगे उसमें खाली लिफाफा रहेगा, जिसमें मैंने, मेरे पास हर एक आज तक का जितने भी हैं एक भी लिफाफा आज तक का जो था खाली ही पेपर आए, डीआर साहब से खुलवाया, 4 शिकायतें की, लेकिन उसका कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है करोड़ों का जब लाभ होता है तो हर जगह बांट दिया जाता है, तो हर एक के मुँह बंद हो जाते हैं और कुछ हो ही नहीं पाता उसमें से। अब इसमें से जैसे अपन तो लड़ लिए, 30 सदस्य ऐसे हैं जो बेचारे कुछ नहीं, 8 तो हाई कोर्ट चले गए, कुछ बेचारे 10,000 रुपये दैनिक वेतन भोगी है, वो अपने बच्चों का पेट पाले या किस केस लड़े या कि कानूनी लड़ाई लड़े, कानूनी लड़े नहीं पाएंगे, लड़े नहीं पाए तो उनको जो है तो समय सीमा खत्म हो गई है, वो हो गया, उनके भी प्लाट बेच दिए गए। इस तरह से ऐसे 30 सदस्य जो जमीन खरीदे हुए थे उनको निकाल करके उनको करोड़ों में अपने रिश्तेदारों को, अपने सेक्शन वालों को इधर उधर बांट दिया गया, और आगे जो है इसमें हम लोग वंचित रह गए। और एक डीआर का कर्मचारी जो चुनाव कराने आए थे वो एडवाइजर के रूप में श्री सुधाकर पांडे जी, जिसमें से उन्होंने पता नहीं कि वो अध्यक्ष भी बन गए, और 3 सदस्य जो कंजोर फोरम से पैसा 2005 में ले लिए थे उनको 2009 में सदस्य बना लिए, और 14 सदस्य को उन्होंने निकाल दिया कि पुराना अध्यक्ष जो है तो गलत वो किया है, वो लड़ते लड़ते बेचारे 14 में से 4 तो लड़े नहीं, 10 लड़े, 10 या 8 है, और फिर वो वहाँ वो ट्रिब्यूनल तक गए, ट्यूनर से फिर वो फिर जीत गए, फिर दोबारा उनका निष्कासन कब हो गया, कब उनको पता नहीं कब सदस्य बनाया कब नहीं बनाया। इस तरह से बेचारे इतने प्रताड़ित हैं कि आगे वो भी बेचारे लड़ते लड़ते हो गए, फिर उनके लिए कुछ प्लाट जी। चलिए, आपने वही बात बार बार सामने आ रही है जो आज हम लोगों ने चर्चा की, उसमें 2-3 मुख्य बिंदु जो है निकल के आए। बेसिकली जो आया है कि जो सोसाइटी के जो संचालक, जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और अधिकारियों की जो सांठगांठ है उस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबका यही मानना है कि सरकार की ये मुहिम जो है बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रंग और असर तभी दिखेगा जब ये सांठगांठ जो है, ये जो है इसको जो है इस पे सरकार की नजर जाए। वकील साहब का ये मानना था कि अमेंडमेंट आना चाहिए, एक सेंस ऑफ फियर आना चाहिए संचालक मंडल में कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर बर्खास्त कर दिया जाएगा तो अगले 7 साल वो फिर किसी भी सोसाइटी में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सदस्य नहीं बन पाएंगे, तो जब तक ये सेंस ऑफ फियर नहीं आएगा तो इस मुहिम का असर उतना नहीं देखा जाएगा, दिखाई पड़ेगा जितना कि आशा की जा रही है। और राजमणि पटेल है जो कि पटेल जी जो है वो 24 साल से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, काफी निराश लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर आशा है कि नहीं, शायद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आप तीनों हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी बातचीत की और इतनी सारी बातें बताई इस विषय पे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज पब्लिक एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए डीएनएन के साथ।